आज आप सारा दिन कमरे में थी? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मुझे तो ठीक लग रही है। तो क्या इस घर में मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती? जरूरी है दिल चाहे ना चाहे मैं नीचे जाके बैठूं? हाँ जरूरी है। परवीन होती है ना नीचे? वो इस घर का फर्द नहीं है, मुलाजमा है। उनका काम घर के काम करना है, मम का ख्याल रखना नहीं। दोबारा मैं ना सुनूं कि आप सारा दिन कमरे में बैठी हुई थी। और अगर आपके और मॉम के बीच में कोई इशू हो भी जाए तो बेहतर होगा कि आप उसे रिजॉल्व करें। आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? जी आगे समझ। गुड। इस वीकेंड घर पर डिनर है। ये मेरा पहला बिजनेस डिनर है। मैं चाहता हूँ कि कोई कमी ना रहे। आप बेफिक्र रहें, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे अकेले आप पर भरोसा नहीं है। लकीली मॉम का काफी एक्सपीरियंस है। वो डैड के बहुत सारे बिजनेस डिनर्स हैंडल किया करती थी। वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप उनकी हेल्प कर लीजिए। जी दो तीन पिक्चर्स भेजी थी मैंने आप अपनी फ्रेंड्स की। देख चुका हूँ। तो कोई पसंद नहीं आई? नहीं। आखिर कैसी लड़की ढूंढूं आपके लिए भाई? आप परीसा के बारे में तो नहीं सोच रहे? क्या नहीं सोचना चाहिए? मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था जब आप हरीम के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा आप उसी फेज में चले गए। डैड का जिक्र हमेशा तकलीफ देता है, जानती हो। फिर भी सॉरी। नहीं जा सकते, मेरी बात सुने। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो तुम्हारे डैड के पांव की जंजीरी ना बन सकी। मॉम जाने दें आप डैड को, आप मत रोकें। भाई डैड जा रहे हैं। नाम मत लो अब तुम डैड का। मैं हूं ना डैड की कमी पूरी करने के लिए। सर 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 वो मीटिंग रूम में आपका सब वेट कर रहे हैं, तो प्लीज